ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट के दो लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक केमिस्ट्री देखी 9th और 10th क्लास की, जिसके अंदर हमने पीरियोडिक टेबल पहले 20 एलिमेंट पढ़े, उन 20 एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, उन 20 एलिमेंट को याद कैसे किया जाएगा, वो सब हमने सीखा। तो ये लास्ट लेक्चर है बेसिक केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलों को बनाना सीख रहे होंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूलों की फॉर्मेशन कैसे की जाएगी, क्योंकि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखा जाएगा। रटने से अच्छा है इससे पहले हम ये समझते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता कैसे है। अगर हम ये समझ बैठेंगे तो हम हमारे लिए रिएक्शन को लिखना बहुत ईजी हो जाएगा, जितने भी रिएक्शन आपके सिलेबस में है वो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हमें आयन बनाने हैं, स्टेबिलिटी के लिए आयन बनेगा, पॉजिटिव बनेगा और नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा, दे दिया जाएगा, और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा, ले लिया जाएगा। जनरली ये काम जो करते हैं वो मेटल करते हैं, और ये जो काम करते हैं वो नॉन मेटल करते हैं। मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन ही सोल्ट बनाती है कहीं ना कहीं, और हाइड्रोजन गैस देती है। चलो ये तो बात की बात है। तो ये जितने भी हमारे पास कैटायन बने, एनायन बने, हमें उनकी वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को सबसे पहले याद करना होगा, कैसे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई, वो हमने बहुत डीप में जाना था। अब उसके बाद हम कुछ याद करेंगे, कंपाउंड आयन की होगी और मॉलिक्यूलर आयन्स की होगी, एलिमेंटल आयन्स की होगी, याद करके हम डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना सीखेंगे और अपनी रिएक्शंस के अकॉर्डिंग उसमें फिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम एलिमेंटल आयन पढ़ते हैं, एलिमेंटल आयन। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं या फिर कैटायन की बात करूं, या फिर मैं इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स बोल दूं, तो इन सभी के केस में जो भी नाम होगा, नोमेनक्लेचर की मैं बात करूं, मतलब नाम की बात करूं, इनको कैसे दिया जाएगा यूपीएससी नोमेनक्लेचर की, तो इन जितने भी जो भी आपका एटम का नाम होगा, उस एटम के नाम में आपको प्रीफिक्स यूज, सफिक्स यूज करना होगा। सफिक्स मतलब लास्ट में कुछ आपको ऐड करना होगा। सपोज करो आपके पास कोई नाम है, हाइड्रोजन है सपोज, तो मैंने बोल दिया सफिक्स है, तो कहीं यहां से तीन डिजिट हट जाएंगे और नए तीन डिजिट जो है यहां पर ऐड हो जाएंगे। तो पॉजिटिव के केस में जो मैं ऐड करता हूं वो मैं करता हूं आई यू एम आयन। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा हाइड्रोजन आयन लिखा, दूसरा हमने देखा लिथियम आयन देखा, इससे लेकर बीच तक में हमने के पॉजिटिव देखा, हमने एन ए पॉजिटिव देखा, हमने ए एल प्लस थ्री देखा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी आई भली भांति हम लोग जानते हैं। उसके बाद हमने Mg प्लस टू देखा, हमने Ca प्लस टू देखा। तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास मेटल्स थे, फिलहाल ये एक ही स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में है, एक ही प्रेजेंट है। तो मैं लास्ट में IUM लगा दूंगा, बट सिर्फ एक हाइड्रोजन का थोड़ा सा एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्यों है, जनरली जो H पॉजिटिव आयन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन थी, एटॉमिक नंबर एक, एटॉमिक मास एक। अगर ये एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसी के इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसी के इक्वल होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन था भाई, इसने दे दिया पॉजिटिव, मतलब देना, तो इसका मतलब उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा इसका मतलब ये खाली हो चुका है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बट ये एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, वॉटर के साथ। अगर अमोनिया सॉल्वेंट यूज करूं तो अमोनिया के साथ भी एग्जिस्ट करता है। यहां पर वो बना देते हैं इसके साथ जुड़कर H3O पॉजिटिव आयन, और यहां पर वो जुड़कर बना देता है NH4 पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। तो इसलिए मैं इसका नाम दे रहा हूं हाइड्रोनियम आयन। वैसे हाइड्रोजन आयन ही है, प्रोटॉन भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। दिस इज लिथियम आयन। वैसे ही इनके तो नाम में ही आई हुआ मैं लास्ट में, तो आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पोटेशियम आयन, इंपॉर्टेंट क्या है इनकी बैलेंसी को याद करना। सोडियम आयन, एक से लेके 20 तक तो आप आसानी से याद कर लोगे क्योंकि आप निकालना सीख चुके हो, बट अगर कंपाउंड आयन आ जाएंगे तो हम उसमें दिक्कत आ जाएंगे। एल्यूमिनियम आयन, इधर मैग्नीशियम आयन, दिस इज कैल्शियम आयन। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे पॉजिटिव और मेटल्स होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है, बट जिनका नोमेनक्लेचर हम फिलहाल नहीं सीख सकते हैं, जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर दिया जाएगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब यहाँ पर तो मैंने एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट यूज कर लिया, बट कुछ मेटल ऐसी भी है जिनका कुछ भी लिखा क्या लिख सकते हो, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी भी है जिनकी दो या दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहते हैं। कुछ मेटल ऐसी हैं जैसे कि Fe प्लस टू और Fe प्लस थ्री, जैसे कि Cu प्लस और Cu प्लस टू, Hg प्लस और Hg प्लस टू, कुछ नहीं है तो वन।
AU प्लस और AU प्लस टू, PB प्लस टू और PB प्लस फोर, टिन प्लस टू और टिन प्लस फोर, मर्करी भी आ गया, ये भी आ गया, सारे आ गए। तो ये भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मेटल्स आपकी यूज हो रही होंगी। इनमें याद करने का क्या, या तो आप याद करो ये प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू, तो आप ये नाम से नहीं बता, ऐसे नहीं बता सकते कि कहां पर कौन सी प्रेजेंट है, वन की प्रेजेंट है, टू की प्रेजेंट है। बट आप ये ध्यान रखो, अगर कोई भी मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है तो उसका जो भी नाम आएगा उसके सफिक्स में लगेगा आई अस आयन, अस ओ यू यू एस, अस आयन। और जो भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगी उस पर लगेगा इक आयन, आई सी इक आयन। जैसे कि अगर एफ ई प्लस टू है, दैट मींस मैं उसको क्या लिखूंगा, फेरस आयन। एफ ई प्लस थ्री होगा, मैं क्या लिखूंगा, फेरिक आयन। ऐसे ही मैं इस सी यू प्लस को लिख सकता हूं क्यूपरस आयन। ये चार इंपॉर्टेंट है नाम के लिए, क्यूपरस आयन एंड दिस इज सी यू प्लस टू क्यूपरिक आयन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा ये याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे मर्क्यूरस मर्क्यूरिक है ना, गोल्ड का याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका नाम जो है इनके साइंटिफिक नेम से दिया जाता है। जैसे वैसे तो ये टिन है बट इसका दिया जाएगा स्टेनस और स्टेनिक, इसका लेड है बट ये दिया जाएगा प्लम्बस और प्लम्बिक, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। वो आपको छोटी मोटी चीजें आएंगे वो आपको बता दी जाएंगे जब आएंगे, है ना, उसको रटने की जरूरत नहीं है। तो पॉजिटिव के केस के अंदर इतना ही है, आपके दिमाग में छप जानी चाहिए ये बातें, आपके नोट्स में बहुत अच्छे से लिखी होनी चाहिए ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। अगर जल्दी से रब हो गया है तो पीछे कर लो और देख लो, फास्ट फॉरवर्ड प्ले फॉरवर्ड और छोटा बड़ा सब कुछ आपके हाथ में जाता हुआ। तो ये सारे के सारे थे कैटायंस पॉजिटिव। जैसे एक रह गया बेरियम आयन, बेरियम भी बोलने में यूज होता है, बी ए प्लस टू बेरियम आयन। तो ये पॉजिटिव है, नाइन और टेंथ की बात है सिर्फ। और उसके बाद में अगर बात करूं, अगर मैंने पॉजिटिव लिया था तो आई यू एम लगाया था, मैं नेगेटिव ले लू मतलब मैं अनायन बोल दू, मैं साथ में इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोल देता हूं, तो उस केस में क्या क्या है, हमने एफ नेगेटिव पढ़ा, हम एच नेगेटिव भी पढ़ते हैं, हम बी आर नेगेटिव पढ़ते हैं, हम सी एल नेगेटिव पढ़ते हैं, हम आई नेगेटिव पढ़ते हैं, हम उसके बाद पढ़ते हैं एस टू नेगेटिव, ओ टू नेगेटिव पढ़ते हैं, हम एन थ्री नेगेटिव पढ़ते हैं, हम पी थ्री नेगेटिव पढ़ते हैं, ये सारे के सारे उनके अंदर बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। तो एफ नेगेटिव मतलब क्या, मैंने क्या बोला, इसके आईयूपीएसी के अंदर नोमेनक्लेचर के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने क्या बोला, नाम रख दिए, है ना, बोले भाई ऐसे ऐसे होगा तो ऐसा ऐसा आप भी मानते हैं, चलो फालतू कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। तो इसके लास्ट में क्या लगेगा, आई डी ई आई, आईडा, धीरे धीरे केमिस्ट्री आपकी ऐसी हो जाएगी सुपर फास्ट सुपर स्ट्रॉन्ग। तो इसका क्या हो गया, फ्लोराइड आयन, आई डी ई आई डी ई लग गया फ्लोराइड आयन। इसका हाइड्राइड आयन, ये एग्जिस्ट करता है ऐसे क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं इस पे, हाइड्राइड आयन। दिस इज ब्रोमाइड आयन। अब आप बोलोगे सर एक से लेकर बीस तक ब्रोमीन तो था ही नहीं, क्लोरीन ही था सिर्फ, आयोडीन भी नहीं था, तो कोई बात नहीं ना, याद कर लो क्या हो गया, एक वैसे 17th ग्रुप में है सारे के सारे। फोर्थ जब आप चैप्टर कर रहे हो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तब आप समझ भी जाओगे, बट ये यूज होंगे तो होंगे, कोई डाउट नहीं है इस चीज में। सल्फाइड है वहां पर शोक होने से अच्छा भी याद कर लो, और एक दो ये कोई खास फर्क नहीं है। ऑक्साइड है, दिस इज नाइट्राइड आयन, दिस इज फॉस्फाइड आयन, है ना। तो ये सारे बी थ्री नेगेटिव भी आता है, बोराइड आयन, बी थ्री नेगेटिव बोराइड आयन। तो सारे सारे बहुत अच्छे से आप याद कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि ये तो आपको निकालना मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से सिखाया। नई चीज क्या जो आपको मैं पहले बोल देता हूं, ये रट्टा मारना है इसका, कोई भी फालतू को समझने की कोशिश नहीं करनी है। आप इसको तभी समझ पाओगे जब आप प्लस वन क्लास में जाके कहीं फॉर्मल चार्ज या फिर लेविस स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ रहे होंगे, तो फिलहाल इस चक्कर में मत पड़ना। बट कंपाउंड आयन समझने बहुत जरूरी है, मतलब कंपाउंड मतलब क्या, जो एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल या एटम से बना हुआ है उसको कंपाउंड आयन बोल दिया। तो इसका रट्टा मारोगे क्योंकि इनके मिक्सचर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाए जाएंगे एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट टू राइट अप द रिएक्शन। तो सबसे पहला मान लो अगर मैं लिख दूं OH नेगेटिव, ये मत पूछना एक नेगेटिव क्यों आया। अच्छा ये भी समझ लो अगर मैं ऐसे लिखता हूं S2 नेगेटिव, मैं ऐसे लिखता हूं S डबल नेगेटिव, मैं ऐसे लिखता हूं S नेगेटिव 2, ये सारी की सारी बात एक ही है, अलग अलग बुक अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग कहानी। मतलब S के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है, दैट्स इट। OH नेगेटिव
मैं वन नहीं लिख रहा हूँ, जिसके पीछे कुछ नहीं है उसके नीचे वन है, दैट इज हाइड्रो, चलो बाद में नाम लिखते हैं, OH नेगेटिव आएगा, CO3 डबल नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव हटेगा एक पॉजिटिव आ जाएगा, H आ जाएगा, मतलब HCO3 नेगेटिव आ सकता है, CN नेगेटिव आ सकता है, दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, दिस इज कार्बोनेट आयन, दिस इज बाइकार्बोनेट आयन, दिस इज साइनाइड आयन। तो ये कुछ चार हमने यहां पर लिखे हैं। अब मैं जो लिखने वाला हूं वो ग्रुपिंग करके लिखने वाला हूं, ग्रुप बनाने वाला हूं, और आप ग्रुप में याद करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि अब मैं जो यूज करने वाला हूं वो ये तीन वर्ड यूज करने वाला हूं, एट, आइट और आइड। कंफ्यूजन से हटने के लिए आप ग्रुप में ही याद करो, ग्रुप बना देता हूं, फिफ्थ सिक्स और सेवन का एक ग्रुप है, मतलब मैं बात करूंगा नाइट्रेट की, नाइट्रेट, मैं बात करूंगा नाइट्राइट की, मैं बात करूंगा नाइट्राइट, नाइट्राइट तो वैसे भी हम लिख चुके हैं, फिर भी मैं इसमें दोबारा लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए, एन थ्री नेगेटिव नाइट्राइट, एनओ टू नेगेटिव नाइट्रेट, एनओ थ्री नेगेटिव, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का फर्क है, दूसरा कोई फर्क नहीं है, आप याद कर लोगे बहुत अच्छे से। उसके बाद एक और ग्रुप बना लेते हैं, this is sulfide ion and this is sulfide ion. गर्मी में दूसरी बार लेक्चर बना रहा हूं, एक बार ये डिलीट हो गया मेरे से गलती से। उसके बाद 11, 12 और 13 एक और ग्रुप बना लेते हैं, किस किस का, जैसे कि फॉस्फेट आयन, पीओ फोर ट्रिपल नेगेटिव, पीओ थ्री ट्रिपल नेगेटिव, फॉस्फाइड आयन, पी थ्री नेगेटिव, दैट इज फॉस्फाइड, हम पहले से लिख चुके हैं, फॉस्फेट, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। अच्छा तो शेयर किया करो अच्छे से, पढ़ा करो, शेयर तो किया करो, पढ़ जाओ। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, इन सारे के सारे एलिमेंट्स के अंदर जो याद करने की चीज है वो है इनके नाम, इनके फॉर्मूला, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनके चार्ज, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के, क्योंकि मैं अब कराने वाला हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। अलग अलग रिएक्शंस के अंदर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिख रहे होंगे, क्योंकि सपोज अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई तो किसकी डिस्प्लेसमेंट होगी आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, नाम ही दे दिया रिएक्शन का, बैलेंस के लिए दे दिया, ऐसे उसने नाम दे दिया, आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला बनाना होगा, स्क्रीनशॉट का नोट मैं कहूंगा ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मॉलिक्यूलर सीखते हैं, तो मॉलिक्यूलर के अंदर हमें क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा काम है, दैट इज योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड नथिंग एल्स। मैं तीन चार फॉर्मूले बताऊंगा और तीन चार फॉर्मूले आपको सारी की सारी जो है पानी की तरह साफ हो जाएगी, ऐसा पानी डेप्थ तक देख सकते हो, यहां तो मैं करनी है। तो सबसे पहला मान लो बेसिक से शुरू करता हूं, पहले सोडियम क्लोराइड बना दो, करना सोडियम क्लोराइड। तो मैंने सोडियम क्लोराइड कैसे बनाया, आप जानते हो बस एक तरीका, मान लो ए मेटल है, ए मेटल ऐसे लिखो, बी नॉन मेटल है ऐसे लिखो, ए के ऊपर प्लस चार्ज है, बी के ऊपर माइनस चार्ज है, सपोज टू टू है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ए टू बी टू, वैसे ए टू बी टू होता नहीं है, ए बी होता है क्योंकि कैंसल आउट हो जाता है, बट आप समझने के लिए समझ सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड है, एन आया, सोडियम क्लोराइड सी एल आया, क्लोरीन मतलब माइनस वन, सोडियम मतलब प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एन ए की वन से मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ एक एन है, CH के बंधन से मिलेंगे NaCl खत्म। दूसरा सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम ना लो सोडियम सल्फेट बनाते हैं, अब ग्रेड बाद में होंगे, पहले चलते हैं सोडियम सल्फेट। ये चार वहीं से पता चलेगा मैंने उस फॉर्मूले के ऊपर क्या-क्या लिखा, सोडियम Na सल्फेट। अब आपको नहीं पता था तो नहीं पता था, कोई आपको याद नहीं कराई ये चीज तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, यहां पे प्लस 2 है, ये प्लस 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2SO4। अब देखो यही देता सोडियम सल्फाइड यूज हो जाता है क्लोराइड में, आपको ये याद करना होगा दैट क्लोराइड इज नथिंग, SO3 2 नेगेटिव 3N+1 मल्टीप्लाई में जाएगा
इम्पोर्टेंट क्यों आपको बताया कि वो मैग्नीशियम सल्फेट फिर एमजी दिस इज एस4 इस पे नेगेटिव चार्ज पे हुआ था। मैंने पहले ही बोला कि यार अभी तक ये कुछ फैक्टर कॉमन नहीं था, कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, बट यहां से आउट हो रहे हैं तो कैंसिल हो रहा है तो फोर ना बने एमजी फोर बनेगा ना कि अगर आप बोलो एमजी2S2 ना ये नहीं बनेगा ये बनेगा ठीक है। वो एग्जांपल ले लेते हैं कोई बात नहीं। अगर मैं दू एस सल्फेट अब देखो आ गया ना एस अस लगाया अस मतलब आप समझोगे अस मतलब कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और फेरस दो ऑक्सीडेशन स्टेट में करता है प्लस वन प्लस टू और प्लस थ्री तो मैं प्लस में कर रहा हूँ है ना फेरस सल्फेट दिस इज एफ दिस इज एसओ फोर ये भी माइनस ये प्लस तो फॉर्मूला कितना बना एफ एसओ फोर कैंसिल हो जाएगा टू एस को और सपोज मैं बना एल्यूमिनियम सल्फाइड सल्फेट बोलता है सल्फाइड आइड तो एल्यूमिनियम मतलब Al प्लस 3 है सल्फाइड मतलब S हुआ तो क्या फॉर्मूला बना क्रॉस मल्टीप्लाई Al S3 प्लस ऐसे ऐसे बनाते चले जाए भले बना लो अमोनियम लिख लो स्केलेटल क्लियर होना चाहिए बस फालतू चीजें दिमाग में ना लेके आते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक अमोनियम NH4 मतलब इस पे माइनस पे प्लस 1 करो क्रॉस मल्टीप्लाई NH4 बना दो को लगा दो जीरो का करो ये और कौन सा बताओ तो चलो एल्युमिनियम अरे छोड़ो ले लेते हैं क्यूप्रिक लो तो नमाज तो नहीं भाई क्यूप्रिक मतलब सी क्लोराइड मतलब सी मतलब क्यूप्रिक लिया मतलब ज्यादा ऑक्सीजन वाला क्यूप्रस दो में था प्लस प्लस टू में मतलब ये ज्यादा वाला है माइनस वन फॉर्मूला क्या बना सी टू जैसे तो इस टाइप से आप अपने भी फॉर्मूले बना सकते हो जितने चाहे फॉर्मूले बना सकते हो और जितना उतने रिएक्शंस में लग भी रहे हो आपके पेपर में आने वाले तो ध्यान रखना कि आपको स्टेट के बारे में के बारे में एक से लेके बी के एलिमेंट के बारे में एटम कैसे बना है एटॉमिक मास इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। बेस्ट के तीन लेक्चर मैंने बोले थे बहुत ज्यादा हम इसमें कर पाएंगे और ये कम वैरायटी आपको ये भी बता दूं लेकिन आप इससे सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको चीजें क्लियर हो रही है। थैंक यू फॉर द क्लास। अच्छा।